हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे शीन पेन की। शीन पेन किसी भी एज में हो सकता है, बट स्पेशली ये स्पोर्ट्स की इंजुरी है। स्पोर्ट्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शीन पेन होने के चांसेस रहते हैं। और घर में भी जो लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ चलते हैं या ज़्यादा चलने में आता है, तो आपको शीन पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शीन पेन हमें इस एरिया में होता है जो कि एंटीरियर टिबियलिस मसल्स के स्पाज्म के कारण होता है, उसकी इंजुरी के कारण होता है, या फिर उसके ओवरयूज के कारण होता है। तो इसे हम ठीक करने के लिए आज कुछ सिंपल एक्सरसाइज सीखेंगे, जिनको करके आप अपने शीन पेन को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट स्टार्ट करने के पहले, आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड, शीन पेन एंटीरियर टिबियलिस मसल्स के स्पाज्म के कारण होता है, जिसे स्ट्रेचिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, पैरों को लंबे करके, और अब इसमें आपको अपने हाथों का सपोर्ट इस तरीके से लेना है और अपने दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपको अपने शीन एरिया में, मतलब इस जगह, आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अगेन इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे आपको 10 बार कम से कम रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लेट जाना है और आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों की क्या पोजीशन है। इस तरीके से आपको पोजीशन रखनी है और अब आपको अपने पंजों के सपोर्ट से अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको अपने एंटीरियर टिबियलिस मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, आगे की साइड स्ट्रेच आएगा। 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अगेन इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कमर को आपको उठाना है, पंजों के बल आपको कमर को उठा के रखना है। 10 सेकंड इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसे भी आप 5-10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से बैठ जाना है। अब आपको अपने हाथों का सपोर्ट लेना है और दोनों घुटनों को आगे की तरफ इस तरीके से उठाना है। इसमें भी आपको अपनी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे भी आप 5-10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने फॉर्म रोलर का यूज़ किया। आपको इस तरीके से अपने फॉर्म रोलर को रखना है और इसके ऊपर अब आपको अपने पैर को इस तरीके से चलाना है। इससे भी आपकी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स रिलीज होगी, जिससे आपको अपने शीन पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। मैंने इस फॉर्म रोलर का यूज़ किया है। आप घर में इसी तरीके से किसी और ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो जो कि रोल हो सके। तो इसको इस तरीके से 10 से 15 बार आपको चलाना है। ये थी फ्रेंड्स कुछ सिंपल एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम मसाज टेक्निक देखेंगे, जिसमें आपको अपनी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स को रिलीज करना है, क्योंकि इसी मसल्स के कारण आपको शीन पेन हो रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया होता है, यहाँ पर आप फील करेंगे शार्प एरिया, इसके जस्ट राइट में आप फील करेंगे यहाँ होती है हमारी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स। इसमें सबसे पहले आपको फील करना है कि किस जगह आपको स्पाज्म फील हो रहा है। अपनी फिंगर से आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। अब प्रेस करते हुए अपने पंजे को आपको ऊपर और नीचे इस तरीके से चलाना है। इससे आप महसूस करेंगे कि आपकी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स में मूवमेंट फील होगा और इस तरीके से फिंगर को प्रेस करते हुए उसे रिलीज करना है। जब ये हो जाए तो आप फिंगर को थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे, फिर से फिंगर से प्रेस करेंगे और अगेन इस तरीके से एंकल मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे। इस तरीके से आपकी मसल्स रिलीज हो जाएगी, आपको हल्का पेन भी महसूस होगा। थोड़ा सा टॉलरेट करते हुए, प्रेस करते हुए इस मूवमेंट को करना है। अगेन थोड़ा सा फिर से फिंगर को नीचे लेकर जाएंगे, फिर से पंजे को चलाएंगे, आपको फिर से अपनी एंटीरियर टिबियलिस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इसे 5-10 टाइम रिपीट करना, देन रिलैक्स। इसे इस तरीके से करते हुए पूरी मसल्स को आपको रिलीज करना है, जिससे आपकी मसल्स का स्पाज्म कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपको शीन पेन में काफी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सिंपल एक्सरसाइज, जिनको करके आप अपने शीन पेन में राहत पा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट डिफेंस में जाना चाहते हैं, फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन लोगों में बहुत ही कॉमन होता है शीन पेन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।